हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश जीडीएस में जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसमें अप्लाई ऑनलाइन के रिगार्डिंग बात करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे दोस्तों। इसमें 634 पोस्ट है दोस्तों, तो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट, अप्लाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, कट ऑफ, जॉब प्रोफाइल, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जो पीडीएफ आता है, नोटिफिकेशन पीडीएफ, जो फॉर्म अप्लाई करने वक्त हमने डाउनलोड करना होता है, उस सभी को डाउनलोड कर लेना चाहिए और पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए क्या क्या मांगता है वहाँ पर। तो आइए उसको पहले देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 3 की वैकेंसी है दोस्तों। तो जब भी जो साइकिल 3 में आप पहले अप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद फ़ी पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपका अप्लाई ऑनलाइन आ जाएगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों साइकिल 3 के लिए एक बार होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ भी अप्लाई करिए 20 पोस्ट मिलते हैं आपको। 20 पोस्ट कहीं भी आप अप्लाई करें, जिस भी स्टेट में साइकिल 3 में वैकेंसी आएगी, जहाँ पे लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो पूरे डिटेल के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले बात कर लें, तो इसमें दो जॉब प्रोफाइल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो BPM दिखा रहा है, BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो ब्रांच को मैनेज करता है दोस्तों। दूसरे पोस्ट आते हैं दोस्तों, इसमें इनके वर्क के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ पे आप जाके इनके वर्क के बारे में देख सकते हैं। और ABPM देख सकते हैं दोस्तों, ABPM में मेनली मेल कैरियर और मेल डिलीवरी आते हैं। तो ये हो गए दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक, ये भी वही मेल डिलीवरी में ही आते हैं। TCRA की बात करें दोस्तों, यहाँ BPM का बेसिक 12,000 होता है, बाकी आपको DO वगैरह मिला के 15,000 तक मिलते हैं, और ABPM में 10 होता है, तो टोटल आपका 12,000 तक हो जाता है। इसी में Level 2 की बात कर लें तो Level 2 में आपका 14,500 होता है, जो कि आगे चल के पूरा DO मिला के 17,500-18,000 हो जाता है। यहाँ पे ये 15,500 के करीब हो जाता है ABPM का दोस्तों। एलिजिबिलिटी रिलैक्सेशन इन लोगों को मिलता है, आप देख सकते हैं SC को, ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में, OBC को 3 साल का मिलता है दोस्तों। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 ईयर्स का मिलता है, यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, ये 15,500। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 10th पास करना जरूरी है दोस्तों, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो 60 दिन का कम से कम बेसिक कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का आपके पास, और कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने आंध्रा में अप्लाई किया तो आंध्रा की लोकल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए दोस्तों। हर सर्कल की लैंग्वेज दे दी गई है, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, आसाम की आसामी है, बंगाली, बोडो, आसामी, सारा हिंदी, जिस स्टेट में हिंदी वाले स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। बाकी बेसिक नॉलेज आप कंप्यूटर होना चाहिए दोस्तों। रेसिडेंस आपको, यानी कि जब सिलेक्शन आपका हो जाए तो आपको रहना उसी गाँव साइड में है, गाँव में ही है। बाकी सारा आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ एडुकेशन में WBU, सारा जब आप सिलेक्शन हो जाएगा इन सारी चीज़ों की तब ज़रूरत पड़ेगी आपकी दोस्तों। सिक्योरिटी वगैरह जमा करना पड़ता है, इन सारे चीज़ों के रिगार्डिंग अलग से प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप सब देख सकते हैं दोस्तों आप जाके। बाकी यहाँ पे सारा देख सकते हैं मेथड ऑफ इंगेजमेंट कैसे होगा। मेथड ऑफ इंगेजमेंट दोस्तों यही होगा कि मेरिट लिस्ट बनती है, मान लीजिए आपने 10 जगह अप्लाई किया हिमाचल प्रदेश सर्कल में इस पोस्ट के लिए, तो पहले पोस्ट के लिए जहाँ पे अप्लाई किया वहाँ पे जितने लोगों ने अप्लाई किया उसका मेरिट बनेगा उसके हिसाब से। पूरे स्टेट की एक साथ मेरिट नहीं बनती है, पोस्ट वाइज मेरिट बनती है दोस्तों, हर पोस्ट की अलग अलग मेरिट होगी। ऑप्शन पर अप्लाइंग ऑन GDS पोस्ट, देखिए दोस्तों आपको 100 रुपये का फी पेमेंट कर देंगे तो आप 5 जगह अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको टोटल 20 सीट मिलता है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से सीट, कई लोग कई सर्कल में अप्लाई करते हैं, जैसे किसी ने हिमाचल में किया, उत्तराखंड में भी कर दिया, राजस्थान में भी किया, इस टाइप में आपने तो अप्लाई करते वक्त अपने सीट को समझदारी से उपयोग करें, क्योंकि साइकिल 3 में बहुत सारी स्टेट की वैकेंसी आएगी। अगर सारी सीटें आपने अभी अप्लाई कर दी तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 5-5 का सेट आता है दोस्तों, उसमें से जितना 2 सीट में अगर आपको अप्लाई करना था 2 ही सीट पे अप्लाई करें, बाकी आपके रिमेनिंग में रह जाएंगे। फी पेमेंट वाले हो जाएगा लेकिन रिमेनिंग दिखाएगा, अब अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा दोस्तों, मैं आपको इसका प्रूफ सारा दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है सिलेक्शन क्राइटेरिया में, रिजर्वेशन कैसे काम करेगा, उन सारी चीज़ों का डिटेल दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन के लिए नोटिफिकेशन भी दिए हुए हैं, वहाँ पे आप सारा डिटेल्स देख सकते हैं दोस्तों।
फी पेमेंट वगैरह सारा आपका होगा, कौन कौन से मार्कशीट वगैरह लगेंगे। देखिए दोस्तों, 10th का मार्कशीट मैंडेटरी है, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करते वक्त आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहे तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो चीज़ें मैंडेटरी होगी आपको एकदम बिल्कुल अप्लाई ही करनी होंगी, जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं होंगी वो आप बाद में भी दिखा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं 10th का मार्कशीट, DOB चाहिए होगा आपको, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में आल्सो भी सबमिटेड, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप उस टाइम भी कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको तुरंत ही लगाना होगा, देना होगा, वहाँ पे जमा करना होगा, अपलोड करना होगा दोस्तों, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उसका आ जाता है। बाकी देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फी सबमिशन आपका कब से चालू हो रहा है, 7/10 से चालू है, इंड 6/11/2020 को है, तो अच्छी खासी टाइमिंग है। अब अप्लाई करते वक्त आप अपना देख लें, अगर हिमाचल के लोकल हैं आप तो अपने स्टेट अपने ज़िले में देख के आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई करना है मुझे, यहाँ इस हिसाब से आप अप्लाई करें। बाकी पोस्ट को ध्यान में रख के अप्लाई करें, क्योंकि साइकिल 3 में बहुत सारी स्टेट की अभी नई नई चालू हुई, तो बहुत सारी स्टेट की वैकेंसी आएगी जहाँ पर आप उनका लोकल लैंग्वेज जानते हैं, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अपने जो भी 20 पोस्ट मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसको बचा के रखें दोस्तों। बाकी अब आइए पूरे डिटेल के बारे में, उसके अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एप पोस्ट की वेबसाइट पे कर लेंगे क्लिक, यहाँ पे खुल जाएगा GDS एंगेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन का क्लिक करेंगे यहाँ पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए इतने सारे आ गए। अगर साइकिल 3 में आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है आपको। बाकी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, नाम डालना है अपना, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारे डिटेल देखे दोस्तों सही में डालने हैं, गलत एक भी डाटा नहीं भरना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर बेकार हो जाएगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको बिल्कुल सही सही डालने हैं, जेंडर, कम्युनिटी, जो भी है आपका, सर्कल इन विच 10th क्लास पास, आप किस सर्कल में 10वीं क्लास पास किए, मान लीजिए आपने UP से 10वीं की पढ़ाई की है तो UP सर्कल डालना है। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, किस ईयर में पास किया है, कैन यू राइड बाइसिकल, एस कर देना है। वेदर एम्प्लॉयड, आप एम्प्लॉय पहले अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एस करना है, नहीं काम कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। NOC अवेलेबल, एस कर देना है इसमें दोस्तों। बाकी इंटर करना है, प्रीव्यू कर लेना है, देख लेना है सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं डिटेल में। क्लिक हियर टू नो योर सर्कल, अपना सर्कल जाने के लिए क्लिक कर लेना है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जब सारे डिटेल्स आप भरेंगे तो आपका यहाँ सबमिट कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा दोस्तों। अभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको फी पेमेंट पे जाना है दोस्तों। अभी इधर फी पेमेंट पे हम लोग आ गए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह आप आ जाएगा, अमाउंट कितना पे करना है पेमेंट आपको, और किस कार्ड से पेमेंट करने हैं, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, मेक पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद से आपको फी आईडी मिल जाएगी। आप चाहें तो एक ही बार 400 पेमेंट करके सारा 20 पोस्ट के लिए एक ही बार में अपना पेमेंट कर सकते हैं, बाकी जब आएगी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस सर्कल में अप्लाई करना चाहें, तो यहाँ से पेमेंट आपका हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन में हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्कल फॉर अप्लाइंग, और सबमिट करेंगे तो आपका आ जाएगा फ़ी पेमेंट आईडी, आ जाएगी आपने इतना फ़ी पेमेंट किया है, आपके इतने पोस्ट बचे हुए हैं, इतने आपने अप्लाई कर लिए हैं, इतने पोस्ट बचे हुए हैं, वो हमेशा दिखाएगा आपको जब तक साइकिल 3 की वैकेंसी चलती रहेगी। तो यहाँ पर सबमिट करेंगे सर्कल डाल के तो आपका खुल जाएगा डिटेल, और वहाँ से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। मैं अपना अप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ कि कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल डालना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपनी फ़ी पेमेंट की थी, मैंने इतने सारे फ़ी पेमेंट किए हुए थे, 1, 2, 3, 4 बार फ़ी पेमेंट एक ही बार कर दिया था। उसकी फ़ी आईडी मिल जाती है दोस्तों आपको, रजिस्ट्रेशन जब भी आप अपना डिटेल डालेंगे तो इतना दिखा देगा कि आपने इतना पोस्ट अप्लाई किया है। देखें दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने 20 पोस्ट था तो 16 पोस्ट यूज़ कर लिए थे, बस 4 बचे हुए थे दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो भी पोस्ट अप्लाई करना है सोच समझ के अप्लाई करने की, कई सारी स्टेट में आएगी, आप कई लोग जैसे हिमाचल के नहीं हैं वो भी लोग अप्लाई करते हैं तो हिंदी वो जानते हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो अभी साइकिल 2 ही चल रहा है, साइकिल 3 वहाँ भी आएगा, यूपी में भी आएगा साइकिल 3, तो वहाँ के लिए अपने पोस्ट बचा के रख सकते हैं आप लोग। बाकी और देखते हैं हम लोग, जब फाइनली आप अप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा, ईमेल आईडी, जो भी डिटेल डाले होंगे, पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस, फिर मार्क्स, फिर डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड किए होंगे आप सारे दिखाएगा दोस्तों।
फिर वहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कौन से सर्कल में अप्लाई किया है दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपने पोस्ट वगैरह। उसके बाद इसको प्रिंट आउट लेना है, सबसे लास्ट स्टेप है दोस्तों। इसमें एक दो स्टेप और रह गए थे, मैं उन सबको दिखाऊंगा आपको। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करिए, जो भी सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं सारे डिटेल्स भर लेंगे। उसके बाद प्रिंट ले लेना है एप्लीकेशन का। और उसमें डिटेल्स में दोस्तों आपको ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, देखें दोस्तों यहाँ पे पोस्ट प्रिफरेंस डालना, मैक्सिमम अलाउड पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 20 पोस्ट होता है। नंबर कितने का फी पेमेंट आपने किया वो भी दिखा देगा, मैंने चारों का फी पेमेंट कर दिया था। टोटल एलिजिबल पोस्ट 20, यूज्ड कितना 16 कर लिया मैंने, 4 बचे हुए ऑप्शन, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बचा के रखें बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो सबसे आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, सेलेक्ट डिवीज़न करेंगे किस डिवीज़न में आपको लेना है। जैसे आपको वो PDF में मिला हुआ था कि इस डिवीज़न में यहाँ पे ये पोस्ट खाली है, इस डिवीज़न में करेंगे पोस्ट कौन सा, BPM ABPM करेंगे तो राउत जिस जो पोस्ट दे देगा, जिससे मैंने इस तरह करके अप्लाई किए हुए थे। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें दोस्तों। बाकी आप इसका प्रिंट आउट ले लें और ध्यान अप्लाई करते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने पोस्ट को अपने हिसाब से अप्लाई करें, क्योंकि साइकिल 3 में केवल 20 पोस्ट मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आपका कहीं और सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 3 या 4 के सेट में आप अपने 4-5 स्टेट को कवर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।